जो बरसात में वृक्षारोपण का सीजन होता है एक महीने का, उस दिन हम एक दिन भी हम नागा नहीं करेंगे और लगातार अपने से जितना हो सकेगा जितने लोगों को हम जागृत कर सकते हैं, जो हमारे पुराने लोगों के जो हमारे उनका मार्गदर्शन रहा और हमारी पुरानी लोगों में जो ऋषि मुनियों की, पुराने महापुरुषों के, हमारे पूर्वजों की जो पद्धति रही है उसको आगे किस प्रकार से बढ़ाना है, उसको निरंतर हमने संकल्प ले लिया था कि लगातार प्रतिदिन हम वृक्षारोपण करेंगे। तो इस एक महीने के अंतर अंतर जिसमें कि वृक्षारोपण करने का सबसे उचित अनुकूल समय रहता है ये, तो उन वृक्षों को हम लगाएं और जिस पौधे को हम रोपित करें उसको संरक्षण और संवर्धन का भी हम संकल्प लें कि जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता है तब तक हम उसकी पूरी देखभाल करें। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो हमारे बिल्कुल पास में ही यहाँ पर ये गौरी रेंज है जहाँ पे हमने अभी वृक्षारोपण करा और पहली बार मेरा यहाँ पे आना हो रहा। मैं यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों को, रेंजर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने औषधि पौधों से लेके और जो ऑक्सीजन के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं सभी प्रकार के पौधों को यहाँ पर बहुत अच्छे से लगा रखा है। और जो उनकी यहाँ पर नक्षत्र वाटिका भी मैं देख रही थी, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं। तो वन विभाग का ये काम भी है, लेकिन कई लोगों का काम तो होता है लेकिन उन काम को वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखते हैं। आज यहाँ पर देख के मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ के अधिकारी रेंजर साहब के नेतृत्व में जितने भी काम कर रहे हैं कि वो पूरे लगन से, मेहनत से और मन से, भावनाओं से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप निरंतर ऐसे आगे पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम भी लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए आगे निरंतर प्रयासरत रहें। और जिस हिसाब से यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी लोगों में देखने को मिली, जो हुई है, वो मुझे लगता है कि भगवान बद्री विशाल अपने गंगोत्री यमुनोत्री माँ गंगा की कृपा से वो निश्चित तौर पर दूर होगी। और अब कोरोना जैसे वायरस हमारे उत्तराखंड जैसे प्रदेश को छू भी नहीं पाएगा।